हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करता है, अगर वो मैसेज तुरंत डिलीट कर देता है, अगर आप सीन नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप नहीं देख पाते हैं, अगर वो पर्सन डिलीट कर देता है दोस्तों, तो हमें ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए उस बंदे ने क्या मैसेज करा हमें नहीं पता है। दोस्तों हम चाहते हैं कि कोई भी मैसेज अगर हमें कर रहा है, अगर वो डिलीट भी कर दे तो हम उसे रीड कर सकें। तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में हमेशा रखनी है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन को, आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं एप्लीकेशन में, ठीक है दोस्तों। तो एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है और ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है, पूरा प्रोसेस आपको अपनी स्क्रीन पर ले आकर समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका फ्रेंड कोई आपके मैसेज डिलीट कर दे, उसे देखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो उस एप्लीकेशन का नाम है चैटबीन। तो जैसे एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें लिख के आ रहा है प्रोवाइड नोटिफिकेशन एक्सेस। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सीधा रिडायरेक्ट हो गई हमारी सेटिंग में, और यहाँ से हमें एप्लीकेशन ढूंढ के इसे अलाउ कर देना है। जैसे आप इसे अलाउ कर देंगे फिर इसे यहाँ से बैक कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर प्रोवाइड स्टोरेज परमिशन इस पर क्लिक करना है और इसे ओके कर देना है, फिर इसे यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ये इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइज इस पर क्लिक कर देना है और इसे भी अलाउ कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का वर्क स्टार्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अपने फ़ोन के अंदर दो व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रखे हैं अलग अलग नंबरों से, तो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव कि कैसे आप व्हाट्सएप मैसेज डिलीट होने के बाद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्हाट्सएप अपने ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने पहले की मैसेज भेज रखी है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिख के भेज रहा हूँ, ठीक है। हेलो तुषार, ये मैंने लिख के भेज दिया, ठीक है। अब देख लीजिए मेरे नोटिफिकेशन आ गया कि मेरे दूसरे व्हाट्सएप पे मैसेज पहुँच चुके हैं, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से डबल टिक हो चुका है, आपने देख लिया, देख लो रिसीव हो चुका वहाँ पे, और ये डिलीट फॉर एवरीवन इस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ से मेरे मैसेज डिलीट हो चुके हैं। अब मैं इसे बैक करके आपको उस वाले व्हाट्सएप में दिखाता हूँ कि मैसेज डिलीट हुए कि नहीं हुए, ठीक है। दो व्हाट्सएप देख लीजिए आप, मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन किया, यहाँ पर मैसेज आ रखा है बट डिलीट हो रखा है, ठीक है दोस्तों। तो मैसेज आया लेकिन डिलीट हो गया, हमने नहीं देख पाया। अब हमें देखने के लिए उसी एप्लीकेशन में जाना है, और जैसे आप उस एप्लीकेशन में आओगे तो ऊपर आपकी सारी चैट उस एप्लीकेशन में शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिख के भेजा था हेलो तुषार, वो लिख के आ चुका है जो मैसेज वहाँ पे डिलीट हुआ था। हेड के नाम से नंबर सेव है, आप देख लीजिए दोनों व्हाट्सएप में, इसमें देख लीजिए जो मैसेज आया डिलीट हो चुका है हेड के नाम से। दोनों मैसेज की टाइमिंग देख लीजिए आप, 23/12 पे दोनों मैसेज ये रिसीव हुए हैं और डिलीट हो चुके हैं। अब मैंने वहाँ पे सीन कर लिए, ठीक है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट हो तो दोबारा मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ अपने उसी नंबर पे। अब यहाँ से मैं लिख के भेजता हूँ हेलो एवरीवन, ठीक है। तो मैंने भेजा, डबल टिक हो गया, ऊपर देखना नोटिफिकेशन आ जाएगी, देखिए ये वहाँ पे रिसीव हो गया, मैंने देखा नहीं है अभी वहाँ पे पहुँच चुका है, डबल टिक हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और फिर से इस मैसेज को यहाँ पे डिलीट फॉर एवरीवन कर देंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको उसी व्हाट्सएप में लेकर दिखाता हूँ, ये मैसेज यहाँ पे आया था लेकिन डिलीट हो चुका है 23/14 पर, ठीक है। तो मैं सीधा उस एप्लीकेशन में जाता हूँ फिर, और यहाँ से इसे बैक करता हूँ और दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ये देख लीजिए लिख के आ गया हेलो एवरीवन 23/14 पे, तीन मैसेज मैंने भेजे, तीनों यहाँ पे शो हो गए। तो दोस्तों ऐसा आप किसी के भी मैसेज तुरंत रीड कर सकते हैं, कोई भी मैसेज कितना भी लंबा रीड कर दे लेकिन आप आसानी से पढ़ लोगे, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन का वर्क बहुत अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों यहीं पर एक लाइक कर देना, और आपको ऐसी वीडियो आगे भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, इससे आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।